अभी हम पढ़ रहे हैं डिटर्मिनिज्म या नियतिवाद के बारे में। पिछली कक्षा में हमने ये समझा कि नियतिवाद है क्या, नियतिवाद किस प्रकार मानव भूगोल के अंतर्गत मानव पर्यावरण संबंधों का अध्ययन का एक उपागम है, जिसमें मानव को एक निष्क्रिय कार्य के रूप में जबकि पर्यावरण को एक प्रभावी कार्य के रूप में माना जाता है, जो कि मानव की समस्त गतिविधियाँ उनके व्यवहार को निर्धारित करता है। साथ ही हमने देखा है किस प्रकार भौगोलिक चिंतन में जो नियतिवादी दृष्टिकोण है उसका उद्विकास या उसका डेवलपमेंट हुआ। तो जो ग्रीक रोमन विचारकों से लेके मध्य युग में अरब विचारकों तथा पुनर्जागरण काल में कांट और मोंटेस्क्यू जैसे यूरोपीय विचारकों ने अपने विभिन्न कार्यों से बताया कि जो भौतिक पर्यावरण है वो किस प्रकार मानवीय गतिविधियों को प्रभावित या निर्धारित करता है। तो यद्यपि इन सभी के विचारकों में नियतिवादी झलक मिलती है, लेकिन भूगोल में नियतिवाद का सुव्यवस्थित अध्ययन 19वीं सदी के उत्तरार्ध से प्रारंभ हुआ। तो आज हम ये देखेंगे कि 19वीं सदी और 20वीं सदी में अर्थात आधुनिक जो मानव भूगोल है उसमें नियतिवाद की व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक ढंग से किस प्रकार अध्ययन हुआ। सबसे पहले शुरू करते हैं हम्बोल्ट और रेटर से। हम्बोल्ट और रेटर को आधुनिक भूगोल का फाउंडर या संस्थापक माना जाता है। इन्होंने वैसे वैज्ञानिक नीतिवाद का प्रतिपादन नहीं किया, लेकिन इनके विचारों में नीतिवादी जो दृष्टिकोण है उसके स्वरूप देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए हम्बोल्ट ने बताया कि मनुष्य की विभिन्न प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों में भिन्नता इसलिए पाई जाती है कि उनके निवास क्षेत्र भिन्न है, अर्थात जो मनुष्य के जो शारीरिक लक्षण हैं वो उसके पर्यावरण द्वारा निर्धारित हैं। जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र लोगों की जीवन शैली मैदानी लोगों की जीवन शैली से भिन्न होती है, क्योंकि उनके जो निवास क्षेत्र है उनका पर्यावरण है वो जो मैदानी क्षेत्र का और पर्वतीय क्षेत्र का है वो दोनों एक दूसरे से भिन्न है। ऐसे ही कुछ विचार रिटर ने रखे। रिटर ने विभिन्न भौतिक पर्यावरणीय दशाओं का तथा शारीरिक संगठन व स्वास्थ्य के मध्य संबंध स्थापित किया। इसके अतिरिक्त रिटर ने टेलियोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म का प्रतिपादन किया। तो रिटर मानते थे कि जो समस्त मानवीय गतिविधियां हैं वो ईश्वर या कहीं प्रकृति की इच्छाओं का परिणाम है। तो इस प्रकार हम्बोल्ट और रिटन ने जो भूगोल में नियतिवाद के विकास में अपना योगदान दिया। लेकिन भूगोल में अगर नियतिवाद के विकास के दृष्टिकोण से देखें तो जो सबसे बड़ा माइलस्टोन है वो डार्विनवाद रहा। डार्विनवाद वैसे जीव भूगोल का सिद्धांत है, लेकिन इसने भूगोल में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। तो पहले देखते हैं कि डार्विनवाद है क्या। डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक लिखी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज, जिसके अंतर्गत सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत दिया। डार्विन ने बताया कि जीवों का जो उद्विकास, संघर्ष, प्राकृतिक चयन आदि प्रक्रियाओं के जरिए किस प्रकार विशेष पर्यावरणीय दिशाओं में होता है। डार्विन ने एक प्रकार से जो नियतिवाद है उसको वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। अब नियतिवादी विचारकों ने जो डार्विन का सिद्धांत है इसमें वैज्ञानिक तथ्य ढूंढ निकाले। अब मनुष्य को भी अन्य जीवों की भांति स्वीकार किया जाने लगा, और ना केवल भूगोल में, डार्विनवाद का समस्त सामाजिक भूगोल में प्रभाव पड़ा। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपना सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसमें माना कि जिस प्रकार जीवों के मध्य परस्पर सर्वाइवल के लिए संघर्ष होता है उसी प्रकार समाजों के बीच में भी ये संघर्ष होता है। तो डार्विन ने जो बताया था कि किस प्रकार जीव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के साथ इवोल्व होते हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण के हिसाब से सबसे ज़्यादा अनुकूल होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, और जो प्रजातियां प्राकृतिक पर्यावरण के साथ साम्यता या फिर अनुकूलन नहीं रख सकती वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाती हैं। तो इसी प्रकार जो जीवों का उनके प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में अध्ययन
यथा डार्विन ने, उसी प्रकार मनुष्य का भी अध्ययन किया जा सकता है। ऐसा विचार, नियतिवादी विचार धीरे धीरे गोल में और प्रबल हुआ अब मनुष्य को एक प्रकार से अन्य जीवों के समान ही जो पर्यावरण के साथ संबंध है उनमें निष्क्रिय कार्य के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन डार्विन के जो सिद्धांत है डार्विनवाद, उसको भूगोल में समाहित करने के लिए सबसे ज़्यादा श्रेय रेटजेल को जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल है उसका संस्थापक भी माना जाता है। रेटजेल ने डार्विनवाद को अपनाकर जो मानव पर्यावरण संबंध है उनका एक वैज्ञानिक अध्ययन किया है। इसीलिए जो वैज्ञानिक नियतिवाद है उनका प्रतिपादक भी इन्हें माना जाता है। इन्होंने भी जो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार के अनुरूप ही मनुष्य को एक निष्क्रिय कारक के रूप में माना, जिसका विशेषकर इनके विचार हैं वो इनकी जो पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी उसके खंड एक में उनके नीतिवादी विचार देखने को मिलते हैं, जिसमें उन्होंने माना कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो जो सांस्कृतिक तत्व हैं उनका जो निर्धारक होता है। साथ ही रेटजेल का मानना था कि जो समान दशाएं वो समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। और रेटजेल ने एक प्रकार से जो मानवीय संस्कृति है उसको जो भौतिक पर्यावरण में उसका प्रतिफल बताया। तो इस रेटजेल के इन विचारों के आधार पर रेटजेल को एक घोर नीतिवादी के रूप में स्वीकार किया जाने लगा, जबकि ऐसा नहीं था। रेटजेल ने जो अपने जो एंथ्रोपोजियोग्राफी का जो वॉल्यूम 2 है उसके अंतर्गत एक अलग अप्रोच या अलग उपागम अपनाया, जिसमें उन्होंने जो जो मानव समाजों के भौगोलिक वितरण पे जोर दिया। उनका केंद्र केवल मात्र भौतिक पर्यावरण न रहकर मानव समूह भी उनके अध्ययन का केंद्र बन गए। रेडजेल के अनुसार नए निवास क्षेत्र अर्थात जब एक मानव समूह दूसरी जगह जाके माइग्रेट करता है, प्रवास करता है और वहाँ नए जो निवास क्षेत्र का निर्माण करता है, तो वो जो नया निवास क्षेत्र है वो भौगोलिक दशाओं तथा प्रवास करने वाले समूह की संस्कृति व तकनीकी परिणाम होते हैं। अर्थात रेडजेल ने स्वीकार किया कि न केवल सिर्फ भौगोलिक दशाओं के, जबकि जो प्रवास करने वाला समूह है उसकी जो अपने पहले की संस्कृति है और उसको तकनीक और ज्ञान है उसका परिणाम भी होता है। किंतु रेडजेल के जो विचार हैं वो, क्योंकि रेडजेल जर्मन थे तो उनके विचार जो इंग्लिश वर्ल्ड है उनमें उनके विचार मुख्यतः वॉल्यूम 1 के विचार ही पहुँचे, जिसके आधार पर रेडजेल को एक पूर्णतः नीतिवादी विचारक के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। जर्मनी से बाहर भी नीतिवाद का धीरे धीरे विकास हुआ, तो 20वीं सदी में इसके जो प्रमुख प्रणेता थे उनमें कुमारी सेम्पल, हटिंगटन आदि फेमस हैं। कुमारी सेम्पल ने, जो कि जिन्होंने जो इंग्लिश वर्ल्ड है उनमें जो रेडजेल का कार्य है, जो पीछे चर्चा की जो वॉल्यूम 1 में उन्होंने जो नीतिवादी विचार दिए उनसे जो इंग्लिश वर्ल्ड का परिचय करवाया और उनके जो कार्य हैं उनको, उनके अनुवाद को बाकी अन्य लोगों तक पहुंचाया। तो कुमारी सेम्पल स्वयं एक गौर नियतिवादी विचारक रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट में माना है कि जो मनुष्य है वो पृथ्वी तल की उपज है, मैन इज ए प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। कुमारी सेम्पल के शब्दों में कहें तो इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं है कि वह पृथ्वी की संतान है, उसकी धूल का कण है, किंतु यह भी है कि पृथ्वी ने उसे मातृत्व दिया, उसका पालन पोषण किया, उसके लिए कार्य निश्चित किए, लिए उसके विचारों को दिशा दी, उसके सामने कठिनाइयां उत्पन्न की जिससे उसके शरीर को बल मिला, उसकी बुद्धि को प्रखर किया। पृथ्वी ने उसे अनेक समस्याएं दी, साथ ही उन समस्याओं का हल भी बताया। पृथ्वी ने उसकी हड्डियों, उत्तकों में, उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश किया। पर्वतों पर चढ़ने के लिए उसे फौलादी मांसपेशियां प्रदान की। तट के सहारे इन्हें कमजोर और ढीला छोड़ दिया, किंतु उनके स्थान पे उसकी छाती और हाथों की शक्ति का पूरा विकास किया जिससे वह अपने पतवारों को चला सके। तो सैंपल के अब जो अपना कृति है इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट, उसके अंदर जो ये कथन है इनसे
सैंपल के विचारों की एक समझ बनती है कि किस प्रकार सैंपल जो मनुष्य की जो गतिविधियां हैं या जो शारीरिक संगठन है उसको पूर्णतः भौतिक पर्यावरण का परिणाम मानती है। सैंपल ने इससे आगे बढ़ के जो धार्मिक विश्वास हैं उनको भी भौतिक पर्यावरण से जोड़ा। सैंपल ने बताया कि जो मरुस्थलीय पर्यावरण है जहाँ की जो भौगोलिक परिवेश है उसमें कोई बदलाव नहीं होता या फिर वो बिना कोई अवरोध के लगातार एक जैसा विस्तृत होते हैं, तो ऐसे स्थानों में जो धर्म का स्वरूप भी एकेश्वरवादी होता है उसमें विविधता नहीं मिलती और उनके विचारों में कट्टरपन मिलता है। सैंपल ने बताया कि पर्वतीय जो प्रदेशों के निवासी हैं वो मुख्यतः रूढ़िवादी होते हैं क्योंकि उनको जो पर्यावरण है उसमें परिवर्तन की प्रेरणा के लिए समय नहीं मिलता है। तो इस प्रकार सैंपल ने जो रेडचेल के नीतिवादी विचारों को आगे बढ़ाया। हटिंगटन का जोर मुख्यतः जो जलवायु कारकों का मनुष्य पड़ने वाले प्रभावों तक सीमित रहा। उन्होंने एक प्रकार से जलवायु नीतिवाद या क्लाइमेटिक डिटर्मिज्म का प्रतिपादन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में माना कि जो मानव सभ्यताएं वो जलवायु दशाओं का परिणाम है। हटिंगटन ने बताया कि विश्व की जो प्राचीन सभ्यताएं मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु नदी घाटी सभ्यता, चीनी सभ्यता, इन सभी जो नदी घाटी सभ्यताओं का विकास सम जलवायु क्षेत्र में ही हुआ। इस प्रकार हटिंगटन ने जो जलवायु एवं जो मानव सभ्यता के बीच में एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। और मैकाइंडर, पैट्रिक एडीज, हर्बर्टसन ये कुछ अन्य विचारक हैं जिन्होंने अपने नीतिवादी विचार रखे हैं। अब देखते हैं नीतिवाद की आलोचना। नीतिवाद की आलोचना इस आधार पर की जा सकती है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करने में निष्क्रिय कारक न होकर एक सक्रिय कारक है। मनुष्य को अन्य जीवों के समान नहीं समझा जा सकता कि जिस प्रकार मनुष्य पर्यावरण से प्रभावित होती है तो बदले में वो पर्यावरण को भी परिवर्तित करता है या मॉडिफाई करता है। उदाहरण के लिए देखें तो पंजाब हरियाणा का जो क्षेत्र है 50-60 सेंटीमीटर वर्षा क्षेत्र है उन क्षेत्रों में जो चावल की खेती करना एक ना कि एक भौतिक पर्यावरण का परिणाम है, ये मानवीय प्रयास का ही परिणाम है। निर्वनीकरण और वर्तमान में जो बढ़ती जलवायु परिवर्तन, ये सब क्या पर्यावरण को प्रभावित करने वाले की जो मानव की शक्ति है उसको प्रदर्शित करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मानव एक निष्क्रिय कारक नहीं है। दूसरा ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि एक ही पर्यावरण में रहने वाले मानव समूह एक जैसा व्यवहार करें। ये समान भौतिक दशाओं में भिन्न भिन्न लोगों के लिए पर्यावरण का दृष्टिकोण भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर के जो गुजर बकरवाल पर्वतीय ढलों पर निवास करना पसंद करते हैं और वो ढलों चारागाहों के रूप में भी उपयोग करते हैं और अपना ऋतु प्रवास करते हैं। ग्रीष्म काल में वो निचले घाटी क्षेत्र में अपना निवास मनाते हैं, जब ग्रीष्म काल में अपने जो पर्वतीय क्षेत्र है उनको निवास मनाते हैं, जबकि शीतकाल में जो घाटी क्षेत्र को अपना निवास क्षेत्र बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर जो कश्मीरी लोग हैं उसी क्षेत्र में रहने वाले कश्मीरी लोग समतल मैदानों में बसना अधिक पसंद करते हैं, वो एक स्थायी निवास मतलब स्थायी आवास का निर्माण करते हैं और अपने जो कृषि कार्य करते हैं। वहीं दूसरी ओर जो गुजर बकरवाल एक जो गोमकड़ संस्कृति को जीते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पूर्णतः नीतिवाद मानव पर्यावरण संबंधों की व्याख्या करने के लिए एक सही उपागम नहीं है। नीतिवाद के पश्चात कालांतर में भूगोल में संभववादी विचारों का विकास हुआ जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।